हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मरीनर। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहां पर हम मरीन सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो लोग फ्रेशर्स हैं और जो लोग जीपी रेटिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स कर रहे हैं, ये उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकेंगे। और लिटरली ये आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, पर ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं जो कि आपके लिए होंगे। ये वीडियो मैंने बनाया है एरर्स इन मैग्नेटिक कंपास एंड जायरो कंपास के बारे में। इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक कंपास के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जायरो कंपास के बारे में। अदरवाइज 2 वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि ऑब्वियस है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको 2 वीडियो में बनाएंगे, 2 पार्ट में बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन विद मैग्नेटिक कंपास। एंड जो टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे आज वो है वेरिएशंस, व्हाट इज वेरिएशन, डिविएशन, एंड फाइनली हम कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे कि हम मैग्नेटिक कंपास में कैसे किस तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। मैग्नेटिक कंपास एरर्स, वेरिएशन एंड डिविएशन। सो लेट्स बिगिन। वेरिएशन, वेरिएशन इट इज द एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सो व्हाट इट मींस बेसिकली कि यदि मैं उसको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि किसी भी लोकेशन पर जो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन होता है और उस लोकेशन से जो मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन जो पॉइंट करता है, जो हमारा मैग्नेट जो है वो हर समय हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करता है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। नाउ जैसा कि हमने जानते हैं, हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि यदि हम एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट क्या करता है, वो अपने आप को अर्थ के मैग्नेट फील्ड से अलाइन कर देता है। अब क्योंकि वो अपने अर्थ के फील्ड से अपने आप को अलाइन कर देता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट करता है। मैग्नेट ट्रू नॉर्थ नहीं पॉइंट करता है, इस चीज़ को हमको समझना होगा। ट्रू नॉर्थ क्या है? ट्रू नॉर्थ एक्चुअल नॉर्थ है, जो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन है जो है उसको हम बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। और मैग्नेट किसको पॉइंट करता है? मैग्नेट पॉइंट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ को, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड होता है। ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये कहीं ना ये कनाडा के आसपास, कनाडा के नॉर्थ में सिचुएटेड है। कनाडा के थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में यदि हम जाएंगे तो उस लोकेशन पे सिचुएटेड है। और ट्रू नॉर्थ जो है वो ऑब्वियस है, वो हमारा नॉर्थ पोल हमारा ट्रू नॉर्थ कहलाता है। सो ये जो डिफरेंस है बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड द ट्रू नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड योर वेरिएशन। इस एंगल जो एंगुलर डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक, तो यदि मैं यहाँ साइड में वापस इसको ड्रॉ करूँ तो जो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है, मान लीजिए हमारा ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ पर हमारा मैग्नेट जो है वो MN यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, तो ये डिफरेंस बनेगा, ये एंगल जो बनेगा यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन हर लोकेशन पे अलग अलग होता है। मुंबई में वेरिएशन कुछ और हो सकता है, डरबन में वेरिएशन कुछ और होगा, सिडनी में आप जाएंगे तो सिडनी में मैग्नेटिक वेरिएशन जो है वो अलग हो सकता है। नाउ हम लोग सेलर्स हैं, हमें बहुत ज्यादा थ्योरीज में जाना नहीं है, हमको सिर्फ पता करना है कि वेरिएशन की वैल्यू कितनी है और हमें कहाँ से मिल सकती है। दैट्स इट।
ताकि हमको हमें क्या करना है, हम उस एरर को अप्लाई कर सकें और हम अपने कंपास को यूज करके ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन पता कर सकें। यदि हम बिना वेरिएशन के हम मैग्नेटिक जो कंपास है उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा डायरेक्शंस गलत होंगे, तो हमें हर समय उसमें वेरिएशन लगाना पड़ेगा ताकि हमें ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन पता चल सके। अब सवाल आता है कि हमें ये वेरिएशन की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द कंपास रोज ऑन अ मार्केटर चार्ट। तो किसी भी मार्केटर चार्ट में जिस लोकेशन में आप हैं उस लोकेशन का आप मार्केटर चार्ट निकालिए और उस मार्केटर चार्ट में कंपास रोज बना होता है, ठीक है, उस मार्केटर चार्ट में कंपास रोज बना रहेगा, उस कंपास रोज के बीच में वेरिएशन की वैल्यू लिखी रहती है। सो लेट्स गो हेड एंड सी द मार्केटर चार्ट। तो एक मैंने फिगर निकाला है मार्केटर चार्ट का, उसमें भी मैंने सिर्फ जो कंपास रोज है उसको मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर। तो ये जो मैजेंटा कलर का आपको सर्कल दिख रहा है जिसमें कि कंपास बना हुआ है, सारे डायरेक्शंस बने हैं 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक, इसको बोलते हैं कंपास रोज। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंपास रोज। हमें क्या करना है, हमें वेरिएशन की वैल्यू पता करना है। तो वेरिएशन की वैल्यू उसके बीच में लिखी हुई है, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं, VAR वेरिएशन, VAR स्टैंड्स फॉर वेरिएशन, और वेरिएशन यहां पर कितना बता रहा है, वेरिएशन यहां पर बता रहा है इट इज 12 डिग्रीज 15 मिनट वेस्ट। वेरिएशन कितना है, 12 डिग्रीज 15 मिनट वेस्ट। अब इसके साथ में ब्रैकेट में आप देखेंगे कि यहां पर ब्रैकेट में लिखा है 2004। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। 2004 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वैल्यू है 12 डिग्रीज 15 मिनट वेस्ट की जो वैल्यू है, ये वैल्यू एज ऑफ 2004 है, एज ऑफ द ईयर 2004। हर साल वेरिएशन की वैल्यू बदलते रहती है क्योंकि जो मैग्नेट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मूव करता है, चेंज होता जाता है, हल्का सा चेंज होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन यस चेंज होता है। तो जैसे जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वैसे वैसे हर लोकेशन का वेरिएशन भी चेंज होगा। अब आता है सवाल, कितना चेंज हो रहा है, तो ये भी आपको यहां पर लिखा रहेगा कंपास रोज में, यदि आप देखें यहां पर, तो यहां पर लिखा हुआ है एनुअल इंक्रीज ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है, एनुअल इंक्रीज ऑफ 2 मिनट्स, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब साल में कितना इंक्रीज हो रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है, किसी लोकेशन में इंक्रीज होता है, किसी लोकेशन में डिक्रीज भी हो सकता है। तो हमें कंपास रोज में देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो लेट्स से यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना है, 2 मिनट्स एनुअली, ठीक है, यहां क्या लिखा है, एनुअल इंक्रीज ऑफ 2 मिनट्स, यानी कि एक साल में 2 मिनट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इज लेट्स से 2 मिनट्स पर ईयर। अभी हम 2021 में है, ठीक है, लेट्स से आज का जो हमारा साल है इट इज वी आर इन 2021, यानी कि 2021 में है। सो हाउ मच इज द इंक्रीज, एक साल में यदि 2 मिनट बढ़ रहा है तो 2000 से 2021 कितना हो जाएगा, 2004 से दिस इज अबाउट 17 ईयर्स, दोनों के बीच में डिफरेंस 17 ईयर्स हो गया। तो 17 ईयर्स में कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो सिंपल है, हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे। सो 17 इंटू 2 मिनट इज इक्वल टू 34 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 34 मिनट्स का हमारा इंक्रीमेंट होगा। क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एनुअल इंक्रीज है, इट इज इंक्रीजिंग एनुअली, सो हम उसको ऐड करेंगे। तो लेट्स ऐड दिस, हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल वेरिएशन, ठीक है, फाइनल वेरिएशन, या फिर
करंट वेरिएशन जो कि आज का वेरिएशन है, तो ये हो जाएगा लेट्स से 15 प्लस 34 दैट विल बी 49 मिनट वेस्ट और 12 डिग्रीज वैसे का वैसे ही आ जाएगा. सो राइट नाउ द वेरिएशन इन दिस लोकेशन, जिस लोकेशन का ये मर्केटर चार्ट हमने एग्जांपल में लिया है, तो एज ऑफ टुडे द वेरिएशन इज 12 डिग्रीज 49 मिनट वेस्ट. तो इस तरीके से हमें वेरिएशन की वैल्यू मिल सकती है. यदि हम इसको डायग्राम में देखें, लेट्स से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये जो है एरो जो मैंने बनाया ऊपर की तरफ, ये हमारा ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है एंड ये हमारा मैग्नेटिक कंपास जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहे थे, ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है. तो ये जो एंगल है बीच का, ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. एंड इन आवर केस, इस एग्जाम्पल के हिसाब से, दी एंगल कितना है 12 डिग्रीज 49 मिनट वेस्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एंड दिस कॉल्ड योर वेरिएशन. ओके, सो ये होता है वेरिएशन की वैल्यू, हम कहाँ से निकलती है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू लुक एट दी मार्केटर चार्ट और मार्केटर चार्ट में आपको कंपास रोज देखना है और उसमें आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी. ओके, ना अब आते हैं नेक्स्ट. कभी कभी आजकल ज़्यादातर सभी जहाज पे मार्केटर चार्ट कम यूज़ किया जाता है, सब में एग्डिस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एग्डिस. तो अब सवाल आता है कि एग्डिस में हमें कहाँ से पता चलेगा. मार्केटर चार्ट तो हमें समझ में आ गया, पेपर चार्ट में वेरिएशन हमें मिल गया, लेकिन एग्डिस में कहाँ से मिलेगा. तो अगेन इट्स वेरी सिंपल, आप एग्डिस का स्क्रीन देखिए और उसमें ये मैजेंटा कलर की लाइंस बनी होंगी जहां पर रेड सर्कल बना हुआ है. यू कैन सी दिस, यहां पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 7 डिग्री वेस्ट. यहां पर वेरिएशन बता रहा है 7 डिग्री वेस्ट है. और उसी के बगल में, उसी स्क्रीन में दूसरी तरफ दिखा रहा है 6 डिग्री वेस्ट. तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना वेरिएशन है वो क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं. यदि मान लीजिए आपके एग्जिस में ये वाला डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है वेरिएशन, तो कहीं ना कहीं आप ये फिगर टू देखिए, यहाँ पर है आपका फिगर टू. इस फिगर टू में इस टाइप का कुछ इंडिकेटर आपको, सिंबल आपको नजर आएगा एग्जिस पे, ठीक है, एक एरो ऊपर की तरफ बना हुआ नजर आएगा. क्या करना है अपने को, इस पे आप कर्सर लेके जाओ और राइट क्लिक करो, और जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो उसमें आपको चार्ट बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. उसमें आप चार्ट इन्फो पे जाइए और चार्ट इन्फो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको उस सिंबल का जो मीनिंग है वो बता देगा. यानी कि वो, क्योंकि ये सिंबल जो है वेरिएशन का सिंबल है, तो वो वेरिएशन की वैल्यू बताएगा और फिर वहाँ से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फाइंडर हम लोग फाइनल वेरिएशंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ना एग्डिस, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं एक कंपनी के मॉडल से और दूसरे कंपनी के मॉडल में, प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको सिंबल्स आपको मोर और लेस सेम ही मिलेंगे, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जाते हैं. ओके, सो वेरिएशन हमने समझ लिया कि व्हाट इज वेरिएशन. यदि आपको डाउट है तो आप वापस इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम लोग डिविएशन पे. डिविएशन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द कंपास नीडल. ठीक है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ, जो कंपास एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है, तो वो जो डिफरेंस है मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास नीडल के बीच का जो डिफरेंस है, उस एंगल को हम बोलेंगे डिविएशन. अब ये ऐसा क्यों होता है, इट ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ शिप्स स्ट्रक्चर. ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ शिप्स स्ट्रक्चर. तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए यहां पर मैंने एक मैग्नेटिक कंपास को सस्पेंड किया है फ्रीली. So, what will happen? It will point towards the magnetic north.
it will point towards the magnetic north. Okay, now यदि मैंने इस मैग्नेटिक नीडल के पास में एक मेटल पीस लेकर आता हूँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पर एक मेटल पीस लेकर आया और इसके पास रख दिया, इस नीडल के पास में. सो व्हाट विल हैपन? ऑब्वियस है, क्योंकि ये मैग्नेट है और ये मेटल पीस है, कोई स्टील का पीस है, लेट्स से द मैग्नेटिक नीडल विल डिफ्लेक्ट. मैग्नेटिक नीडल क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा इस मेटल की तरफ, या इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मेटल पीस. सो अब क्या ये डायरेक्शन जो अभी हमारा जो कंपास दिखा रहा है, क्या ये मैग्नेटिक नॉर्थ है? नो, ये मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है. ये मैग्नेटिक नॉर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेटल के कारण से मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो गया. तो इस डिफ्लेक्शन को, या फिर ये जो एरर आ गया यहां पर, इसको बोलते हैं डिविएशन. ओके, दिस इज कॉल्ड द डिविएशन. और ये क्यों होता है डिविएशन? बिकॉज ऑफ एफेक्ट ऑफ द मेटल पीस विच इज नियर द मैग्नेटिक कंपास. अब एक सिंपल सी बात है, हम सब जानते हैं हमारा जो शिप है वो बना हुआ है स्टील से, दैट्स अ ह्यूज मेटल पीस, एक बहुत ह्यूज मेटल ऑब्जेक्ट है शिप. तो मानी बात है मेटल के बॉडी के कारण से जो मैग्नेटिक कंपास हमारे शिप में है उसको इफेक्ट होगा, और वो जो इफेक्ट है उसको हम बोलेंगे डिविएशन. ठीक है, नाउ ये इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकता है यदि आप कंटेनर वेसल में हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे कंटेनर्स होते हैं, तो और भी ज्यादा मेटल आ गया शिप में. या फिर आपने बल्क कैरियर में हो और यू नो यू हैव लोडेड आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर आपने लोड किया हुआ है, तो अगेन दैट विल इंक्रीज द डिविएशन दैट विल अफेक्ट द मैग्नेटिक कंपास, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा डिविएशन. ओके, नाउ ऑब्वियसली यदि हमें अभी सही डायरेक्शन का पता करना है तो हमें क्या चाहिए, डिविएशन की वैल्यू हमें पता होना चाहिए. तो सवाल आता है कि अब डिविएशन की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? द वैल्यू ऑफ द डिविएशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिविएशन कर्व विच इज अवेलेबल ऑन द ब्रिज. ओके, सो ये डिविएशन की वैल्यू हमें कहां मिलेगी? सिंपल है, ब्रिज में एक डिविएशन कर्व रहता है और उस कर्व में को देख करके हम डिविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट्स सी द डिविएशन कर्व. ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं ये सामने में जो आपको दिख रहा है, इट इज योर डिविएशन कर्व, एक ग्राफ जैसा बना होगा, और ये ग्राफ जो है शिप की हेडिंग के हिसाब से बना होता है. जो डिविएशन की वैल्यू है वो भी शिप की हेडिंग के हिसाब से चेंज होती है, यानी कि यदि मैं 010 डिग्री पे हेड कर रहा हूं तो डिविएशन की वैल्यू कुछ और होगा, और यदि मेरी शिप की हेडिंग 090 है तो अगेन द वैल्यू विल बी समथिंग एल्स. तो डिपेंडिंग अपॉन शिप्स हेडिंग द वैल्यू ऑफ डिविएशन विल चेंज. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट हियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट. मान लीजिए मेरी शिप की हेडिंग इस समय 045 डिग्रीज है, ठीक है, शिप्स हेडिंग कितनी है? 045 डिग्री. ये क्या है? हेडिंग, हेडिंग ऑफ द वेसल, ठीक है, 045 डिग्रीज. हाउ मच इज द डिविएशन? अब मुझे डिविएशन पता करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज द चार्ट एंड लुक एट 045 डिग्रीज. तो ये हमारा शिप हेड यहां पर बीच में दिया हुआ है, दिस इज 045 डिग्रीज. अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वी विल गो अप टू द ग्राफ, जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे जो डिविएशन कर्व को टच करती है, वहां पे हम फिर ऊपर के जो रीडिंग है उसको रीड करेंगे. कितना दिखा रही है? 0 डिग्री. सो एट अ हेडिंग ऑफ 045 डिग्रीज माय डिविएशन हियर इज 0 डिग्रीज. या फिर हम सीधा टेबल में भी जा सकते हैं, राइट हैंड साइड में टेबल बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ बना हुआ है, तो राइट हैंड साइड में 045 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 0 डिग्रीज.
ठीक है, तो हमारा डिविएशन कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है, ठीक है, इट इज सिंपली 0 डिग्री, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो नेचुरली इसका कोई डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज द शिप्स हेडिंग इज 090 डिग्री, ठीक है, द शिप्स हेडिंग इज 090 डिग्री, हाउ मच इज द डिविएशन, ठीक है। सो 090 डिग्री हमारा यहाँ पर है। पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और वी वेंट अप टू द कर्व। अब हम इसकी वैल्यू ऊपर में रीड करेंगे, हाउ मच इट इज 4 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 4 डिग्री ईस्ट। तो द डिविएशन ऑफ माई शिप एट 090 डिग्री हेडिंग इज 4 डिग्री ईस्ट, ठीक है। यदि हम टेबल में भी देखेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा, यू कैन सी हियर, ये रहा अपना 4 डिग्री ईस्ट। तो इसी तरीके से हम किसी भी हेडिंग पे अपने शिप की डिविएशन पता कर सकते हैं। ये डिविएशन जैसे मैंने कहा शिप स्पेसिफिक होती है, हर शिप में अलग अलग डिविएशन कर्व्स होंगे, एंड ये डिविएशन कर्व जो है एक मैग्नेटिक कंपास एडजस्टर होते हैं, बेसिकली एक टेक्नीशियन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैग्नेटिक कंपास एडजस्टर, ठीक है, ये एक टेक्नीशियन है, ये शिप में आते हैं, इनको बुलाया जाता है, कब, साल में एक बार वो शिप पे आते हैं, वो एक्सपर्ट है मैग्नेटिक कंपास की रीडिंग्स या मैग्नेटिक कंपास के एरर्स को लेके, एंड वो क्या करते हैं, बेसिकली शिप में आते हैं और शिप को घुमाते हैं चारों तरफ, और हर रीडिंग पे वो हर हेडिंग पे वो मैग्नेटिक रीडिंग चेक करते हैं, और फिर उसके बेसिस से वो लोग एक ग्राफ बना करके शिप को प्रोवाइड करते हैं। ये डिविएशन कर्व कौन बनाता है, मैग्नेटिक कंपास एडजस्टर बनाता है, ठीक है, तो वो हमें ये ग्राफ बना के दे देता है, और हम इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं डिविएशन की वैल्यू निकालने के लिए। तो देख, हमने देखा अभी वेरिएशन क्या होता है और वेरिएशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सेकेंड हमने देखा डिविएशन क्या होता है और डिविएशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो दो चीजें हमने अभी देखा, लेट मी ड्रॉ दिस इन शॉर्ट। तो इफ आई ड्रॉ दिस, ऊपर में है हमारा ट्रू नॉर्थ, ये हमारा ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन है। ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं वेरिएशन, और मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास नॉर्थ, ये हमारा मान लीजिए कंपास नॉर्थ है, इन दोनों के बीच का एंगल है, वी कॉल इट डिविएशन, ठीक। तो यदि हमें कंपास की हेडिंग मिल गई, उसमें हम डिविएशन और वेरिएशन निकाल करके वी कैन फाइंड आउट ट्रू नॉर्थ, ठीक है। इफ यू नो द कंपास नॉर्थ, वी कैन अप्लाई द वैल्यू ऑफ डिविएशन एंड वेरिएशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रू नॉर्थ, या फिर उल्टा भी हम कर सकते हैं, हमें ट्रू नॉर्थ पता है और हमें डिविएशन और वेरिएशन की वैल्यू पता है, तो हम कंपास की भी हेडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। ओके, कंपास एरर। कंपास एरर क्या है? कंपास एरर इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द वेरिएशन एंड डिविएशन ऑन द कंपास नीडल। ओके, तो वेरिएशन और डिविएशन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? कंपास एरर। वेरिएशन एंड डिविएशन आर मेजर्ड इन ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो ये एक और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वेरिएशन जो है या तो ईस्ट होता है या फिर वो वेस्ट नेम दिया जाता है उसको। सिमिलरली डिविएशन को भी हम आइदर ईस्ट या फिर वेस्ट नाम देते हैं। सो कंपास एरर क्या है? कंपास एरर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एंड डिविएशन। वैल्यूज कहाँ से मिलती है? सिंपल है, वेरिएशन की वैल्यू हमें मिलती है मर्केटर चार्ट के कंपास रोस में से, और डिविएशन की वैल्यू मिलती है डिविएशन कर्व में से। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस कंपास एरर के ऊपर में, कुछ कैलकुलेशंस है उसको हम देख के समझने की कोशिश करेंगे कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ चीजों को बस हमें ध्यान पे रखना होगा। सो आई विल टेल यू दैट।
Let's move on. ओके सबसे पहले ये ऊपर में मैंने एक स्लोगन लिखा है, ठीक है। ये स्लोगन है जो कि हमारा याद करने का तरीका है, ठीक है। दिस जस्ट अ वे टू मेमोराइज और रिमेंबर हाउ टू अप्लाई द करेक्शंस, ठीक है। ये कोई ऐसा थ्योरी नहीं है, रूल नहीं है, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। ओके स्लोगन क्या कहता है? एरर ईस्ट कंपास लीस्ट, एरर वेस्ट कंपास बेस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक स्लोगन है, हमें याद रखना है इसको। इसको याद रखेंगे तो हमारे कैलकुलेशंस बड़े सिंपल हो जाते हैं। तो पहला चीज हम याद रखेंगे इस स्लोगन को, एंड द सेकेंड थिंग जो हम याद रखेंगे वो है ये टेबल, TVMDC, ठीक है। TVMDC इसको इसी ऑर्डर में याद रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऑर्डर के लिए हम चेंज करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो TVMDC को याद रखें। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं नीचे में, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड। वी स्टैंड्स फॉर वेरिएशन, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक डायरेक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिविएशन एंड सी स्टैंड्स फॉर कंपास डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अब्रीवेशन, क्या चीज क्या है ना। इसको हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे टेबल में, ओके ना। क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कभी यदि आप जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, या फिर लेट्स से यदि शिप में भी हम एक्चुअल प्रैक्टिकली हम यूज़ कर रहे हैं तो भी कैसे यूज़ किया जाता है, पहले उस दोनों को देख लेंगे। मान लीजिए आपको कंपास कोर्स पता है, ठीक है। आपको कंपास कोर्स पता है क्यों? क्योंकि आप शिप में हैं और मैग्नेटिक कंपास आपके सामने है, शिप में है, ठीक है। तो आप उसमें से कंपास कोर्स देख सकते हैं। पर अब मुझे क्या वो डायरेक्शन, क्या वो जो कंपास कोर्स जिसको मैं देख रहा हूं, क्या वो मेरा ट्रू डायरेक्शन है? नहीं, वो तो मेरा कंपास डायरेक्शन है। और वो जो रीडिंग दिखा रहा है, जो हेडिंग उसमें दिख रही है, उसमें दो एरर्स हैं। कौन से एरर है? एक तो है वेरिएशन और दूसरा डिविएशन। ये दो एरर उसमें है, ये हमें पता है। तो ऑब्वियसली यदि हमें उसको सही रीडिंग चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें करेक्शंस लगाने पड़ेंगे ताकि हमें ट्रू डायरेक्शंस मिल सके। ओके सो लेट्स से हमारा कंपास डायरेक्शन है लेट्स से 045 डिग्री, ठीक है। हमने कंपास में देखा किसी चीज की बैरिंग है 045 डिग्री, या फिर ये हमारे शिप की हेडिंग हो सकती है, जो भी है। हमने कंपास में देखा हमें किसी चीज का डायरेक्शन हमें मिला 045 डिग्री, तो हमारा कंपास इज 045 डिग्री। डिविएशन, डिविएशन हमें कहां से मिलेगा? डिविएशन कर्व से मिलेगा। तो लेट्स से कि डिविएशन कर्व से हमने देखा 045 पे, एंड यहां पर डिविएशन की वैल्यू है 2 डिग्री वेस्ट। एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, और हमें पता है हमारा शिप कहां पर है, तो उस लोकेशन पे वेरिएशन कितना है वो हमें मिल जाएगा कंपास रोज से, जो कि मर्केटर चार्ट में होता है। लेट्स अज्यूम द वेरिएशन इज 1 डिग्री ईस्ट। अब हमें पता करना है कि ट्रू डायरेक्शन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीजें हमें पता है वो हम उस टेबल में रेस्पेक्टिव जो कॉलम है उसका उसमें हम एंटर कर देंगे। सी के नीचे कंपास डायरेक्शन लिख देंगे, डी के नीचे डिविएशन में लिख देंगे, वी के नीचे वेरिएशन लिख देंगे। हमें पता करना है ट्रू डायरेक्शन, ओके। तो अभी हमें ऑब्वियसली राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें पता है, हमें लेफ्ट की ओर जाना है, राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। तो कंपास हमें डायरेक्शन हमें पता है, डिविएशन पता है, सो पहले सबसे पहले हमें मैग्नेटिक डायरेक्शन पता करना होगा, क्योंकि बिना इसको कैलकुलेट किए वी कैन नॉट फाइंड आउट द ट्रू डायरेक्शन। सो लेट्स फाइंड आउट द मैग्नेटिक डायरेक्शन।
नेक्स्ट अब भी ध्यान दीजिए, करना क्या है, जो भी एरर है उसका नेम चेक करो, ठीक है, जो एरर है उसका नेम चेक करो। तो यहाँ पर एरर कौन सा है, डिविएशन, तो डिविएशन का नेम क्या है, वेस्ट, डिविएशन का नेम है वेस्ट। तो अब आते हैं स्लोगन पे, स्लोगन क्या कहता है, एरर वेस्ट कंपास बेस्ट, ठीक है, यदि एरर आपका वेस्ट होगा तो कंपास बेस्ट होगा, बेस्ट का मतलब है ज्यादा और लीस्ट का मतलब है कम, ठीक है, तो क्योंकि हमारा एरर है वेस्ट तो हमारा कंपास क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये जो कंपास है राइट हैंड साइड में सी बना हुआ है, ये हमारा कंपास है, कितना दिखा रहा है 045, तो 045 ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारा एरर वेस्ट है, तो हमारा मैग्नेटिक डायरेक्शन कितना हो जाएगा, कम। कैसे हो सकता है ये, जब हम माइनस करेंगे, तो 045 माइनस 2 ये हो जाएगा 043 डिग्रीज, ओके, बहुत सिंपल है। यदि आपको डाउट है तो वापस आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, एम तक हम पहुंच गए, 043 डिग्रीज मैग्नेटिक डायरेक्शन हमें मिल गया, अब हमें पता करना है ट्रू डायरेक्शन, तो वापस दोनों के बीच में एरर क्या है, वेरिएशन, और वेरिएशन का नेम क्या है इस केस में, ईस्ट, ईस्ट मीन्स कंपास लीस्ट, स्लोगन क्या कहता है, एरर ईस्ट कंपास लीस्ट, तो एरर यदि हमारा ईस्ट है तो हमारा कंपास लीस्ट होगा, तो कंपास लीस्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ट्रू डायरेक्शन है, तो वो क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा कैसे हो सकता है, जब हम ऐड करेंगे, तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 043 में हम प्लस 1 करेंगे, इट विल बिकम 044 डिग्रीज, ठीक है, तो 045 डिग्रीज हमारा कंपास डायरेक्शन है एंड ट्रू डायरेक्शन बन गया हमारा 044 डिग्रीज, सिंपल। तो इस तरीके से हम कोई भी फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल क्विकली, अभी हमें ट्रू डायरेक्शन पता है, ठीक है, हमें क्या पता है, ट्रू डायरेक्शन हमें पता है कि ट्रू डायरेक्शन है लेट्स से 147 डिग्रीज, ठीक है, हमने ट्रू डायरेक्शन हमें पता चल गया, हमें 147 डिग्रीज पे चलना है, या हमारी कोर्स जो है 147 डिग्रीज होना चाहिए, तो मेरा कंपास कोर्स कितना होगा, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगेन वेरिएशन मुझे पता है, मुझे कंपास रोज में से वेरिएशन मिल जाएगा, लेट्स से दैट द वेरिएशन इज अभी ले लेते हैं यहां पर 2 डिग्रीज वेस्ट, जस्ट कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एंड डिविएशन, डिविएशन भी हमें पता चल जाएगा कहां से, डिविएशन कर्व में से, एंड लेट्स से दैट द डिविएशन इज 4 डिग्री ईस्ट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच इज द कंपास कोर्स, ठीक है, सो इस केस में हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, लेफ्ट साइड में हमारा ट्रू डायरेक्शन हमारा गिवन है और हमें राइट की ओर जाना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कंपास डायरेक्शन, ठीक है, वेरी सिंपल। करना क्या है, सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, तभी हम कंपास डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स से 147 डिग्री हमारा ट्रू डायरेक्शन है, एरर क्या है, वेरिएशन, इसका नेम क्या है, वेस्ट, तो वापस आते हैं स्लोगन पे, एरर ईस्ट कंपास लीस्ट, लेकिन हमारा क्या है, एरर वेस्ट है, तो कंपास बेस्ट होना चाहिए, यदि कंपास बेस्ट है तो ट्रू क्या होगा, कम होगा, ओके, यदि कंपास ज्यादा है तो ट्रू डायरेक्शन क्या होगा, कम होगा, तो बेसिकली यहां पर हमें करना पड़ेगा एड, तो 147 प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 149 डिग्रीज, मैग्नेटिक डायरेक्शन हमें मिल गया 149 डिग्रीज, एंड अब हम बढ़ते हैं कंपास डायरेक्शन पता करने के लिए। व्हाट वी विल डू इज अगेन लुक एट द नेम, नेम क्या है, ईस्ट, एरर ईस्ट कंपास लीस्ट,
कंपास क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर? माइनस। ओके, तो 149 माइनस 4 बन जाएगा 145 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिल जाते हैं कैसे हम ट्रू डायरेक्शन से कंपास डायरेक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कंपास डायरेक्शन से हम ट्रू डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये टेबल को आप फॉलो कीजिए, बहुत ही सिंपल है, और ये स्लोगन याद रखेंगे तो इट बिकम्स इवन मोर इजियर टू कैलकुलेट। ओके, चाहे ट्रू से आपको कंपास फाइंड आउट करना है या कंपास से आपको ट्रू फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं एक और, एक जिसे हम जानते हैं, व्हाट वी नो इज कंपास एरर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन एंड डिविएशन। ठीक है, वेरिएशन और डिविएशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंपास एरर। सो अगेन ये कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यदि हमें वेरिएशन और डिविएशन दोनों पता है तो हम डायरेक्टली कंपास कोर्स से ट्रू कोर्स पता कर सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। पर ये दो स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, ये दो स्टेप का प्रोसेस रहेगा। तो स्टेप वन में क्या है? वेरिएशन एंड डिविएशन आर गिवन, वी नीड टू फाइंड द कंपास एरर। तो लेट्स से वेरिएशन है, हमको पता है वेरिएशन है लेट्स से 4 डिग्री ईस्ट, एंड डिविएशन इज 1 डिग्री ईस्ट। तो हाउ मच इज द कंपास एरर? तो फर्स्ट स्टेप में हमें कंपास एरर पता करना पड़ेगा कि कितना होगा कंपास एरर। तो उसके लिए हम ये वाली लाइन याद रखेंगे, सेम नेम एड। यदि दोनों के दोनों एरर जो हैं उनका नाम सेम है तो हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा ऐड करेंगे, एंड वी विल रिटेन द नेम। जो भी नाम है उसको हम रिटेन करेंगे। तो वेरिएशन है 4 डिग्री ईस्ट, डिविएशन है 1 डिग्री ईस्ट। दोनों के नाम क्या है? सेम है। तो यदि सेम नेम है तो हम सीधा सीधा ऐड करेंगे, तो 4 + 1 हो जाएगा 5 डिग्री, एंड नेम क्या होगा? जो भी दोनों का, क्योंकि सेम नेम है तो हम उसको सेम ईस्ट डाल देंगे यहां पर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? कंपास एरर 5 डिग्रीज मिल गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से वेरिएशन, वेरिएशन है 1 डिग्री वेस्ट, और डिविएशन है 3 डिग्री ईस्ट। अब हाउ मच इज द कंपास एरर? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर वेरिएशन दिया है 1 डिग्री वेस्ट, डिविएशन इज 3 डिग्री ईस्ट। हाउ मच इज द कंपास एरर? नाम देखो सबसे पहले, दोनों नेम क्या है? ऑपोजिट है। बोथ द नेम्स आर ऑपोजिट, वेरिएशन वेस्ट है और डिविएशन ईस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे आप किससे माइनस कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द डिफरेंस। तो 3 - 1 = 2 डिग्रीज। ठीक है, 3 - 1 = 2 डिग्रीज। नाउ कम्स नेम, इसका नाम क्या होगा? तो नाम बड़ा सिंपल है, जो भी बड़ा वैल्यू है, वेरिएशन बड़ा है या फिर डिविएशन बड़ा है, जिसका भी वैल्यू ज्यादा है उसका नाम हम रिटेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर है वेरिएशन की वैल्यू है 1 डिग्री वेस्ट और डिविएशन की वैल्यू है 3 डिग्री वेस्ट। तो मानी बात है 3 डिग्री ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये क्या है? डिविएशन की वैल्यू क्या है? ईस्ट। तो हम इसी का नाम रिटेन करेंगे कंपास एरर के लिए। तो हमारा कंपास एरर क्या बन गया? 2 डिग्री ईस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से हम कंपास एरर कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें वेरिएशन और डिविएशन पता है तो। ठीक, ध्यान क्या रखना है? उनका नाम का, वेरिएशन का नाम और डिविएशन का नाम, बिकॉज उसी के बेसिस पे हमें या तो ऐड करना होगा या फिर हमें डिफरेंस निकालना होगा। ठीक, नाउ मान लीजिए कंपास एरर हमें मिल जाता है 4 डिग्री ईस्ट,
एंड कंपास डायरेक्शन है 110 डिग्री. हाउ मच इज द ट्रू डायरेक्शन? ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, पर यहां पर हमने क्या किया, पहले हमने कंपास एरर कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद में स्टेप टू में हम कंपास से ट्रू फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो आ जाते हैं वापस स्लोगन के ऊपर में. स्लोगन क्या बोलता है? एरर ईस्ट कंपास लीस्ट, एरर वेस्ट कंपास बेस्ट. तो यहां पर एरर क्या है? ईस्ट है. ठीक है, एरर क्या है? ईस्ट है. तो हमारा कंपास कैसा होगा? लीस्ट, यानी कि कंपास कम होना चाहिए. मतलब यदि कंपास कम होना चाहिए तो ट्रू डायरेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल एड. तो 110 प्लस 4 बिकम्स 114 डिग्रीज. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रू डायरेक्शन पता कर लिया. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से फॉर एग्जांपल द कंपास एरर इज 2 डिग्री वेस्ट एंड कंपास, या लेट्स से कंपास को कोर्स ही ले लेते हैं. कंपास कोर्स इज 245 डिग्रीज. ठीक है, कंपास कोर्स इज 245 डिग्रीज एंड कंपास एरर इज 2 डिग्री वेस्ट. हाउ मच इज द ट्रू डायरेक्शन? हाउ मच इज ट्रू डायरेक्शन? सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. एरर इज वेस्ट. सो इफ द एरर इज वेस्ट द कंपास इज बेस्ट, यानी कि कंपास ज्यादा होना चाहिए. यदि कंपास ज्यादा है तो हमारा ट्रू डायरेक्शन क्या होगा? कम होगा. तो ऑब्वियसली हमें यहां पर माइनस करना पड़ेगा. सो 245 माइनस 2 इज 243 डिग्रीज. ओके, सो यू हैव सीन हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू डू वेरियस कैलकुलेशंस यूजिंग योर स्लोगन. ये जो स्लोगन है उसको यूज करके हम अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं, और किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती है वो आपने इस वीडियो में देखा. सो यदि कोई भी पार्ट आपको यदि डाउट लगता है तो यू कैन सिंपली गो बैक एंड रीप्ले द वीडियो, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा. सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. एंड सेकेंड पार्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम जायरो कंपास एरर के बारे में बात करेंगे कि जायरो कंपास क्या होता है एंड उसमें कौन कौन से एरर्स होते हैं और उसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.